अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अब रमज़ान आ चुके हैं, ये मैं अब अपनी डिश बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने आलू का बैटर बनाया है। पहले आलू को मैंने बॉयल करके फिर मैंने इसमें हल्दी, मिर्च और चाट मसाला, गरम मसाला, ये सब कुछ डाल के फिर इसके ऊपर अब मैंने ये देखिए डबल रोटी पे यूँ करके पहले इसको फिल करके दूसरी को यूँ करके, तो ये मैंने खुद अपनी डिश बनाई है। अब फिर मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर ये बन के तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगी क्या बनता है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अब ये आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है, ये है दही। और मम्मा ने सबकी फरमाइश पे, हम लोग ने भी बोला और कमेंट्स में भी फरमाइशें आई कि मीठे दही बड़े बनाएं, तो मीठे दही बड़े मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैंने इसमें एक पाव दही और फिर इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब देखिए, हमने दही को फेंट लिया है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है। फिर इसको फिर से मिक्स करेंगे। गाइस, हमने इसमें पानी के साथ थोड़ा सा पानी, फिर इसमें हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया। फिर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक। इसको पका के फिर हम आगे बताते हैं क्या होता है। गाइस, अभी फिर हम ये जब पक जाएगा फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम लोग अब इसको दही में डालेंगे। और अब ये दही में कॉर्नफ्लोर हमारा पक रहा है। अब इस दही में हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, आपके टेस्ट में जितना भी आप मीठा खाते हैं उतना आप अपनी चीनी डालें। हमारा जो टेस्ट है मम्मा ने उसी हिसाब से डाला है, देख लें। तो गाइस, अब सोच रहे होंगे तेल क्या कर रहे थे। अब ये जो हम दही बड़े बना रहे हैं तो इसमें जो फुलकियाँ डलेंगी वो भी तो हम घर पे बनाएंगे, होममेड बनाएंगे। और ये देखें, बेसन को ये मम्मा थोड़ा छोटा छोटा करके डाल लिए, जैसे फुलकियाँ होती हैं बूंद टाइप से डाल लिए बस। गाइस, तो हमारी ये फुलकियाँ भी रेडी हो रही हैं, फ्राई हो रही हैं, डीप फ्राई करें आप जो भी करना है फ्राई करें, तो ये फ्राई हो रही हैं। फिर हम इसमें इसको पानी में डालेंगे, फिर इसको पानी में खुश करेंगे इसका तेल, फिर आपको दिखाएंगे कैसा है। ये देखें, ये कॉर्नफ्लोर हमारा गाढ़ा टाइप सा स्लाइम टाइप हो गया है। ये अब हम इसको ठंडा करके दही में डाल देंगे। देखिए, अभी हमारी फुलकियाँ तैयार हो गई हैं। अब इसको हम थोड़े से पानी में डिप कर देंगे थोड़ी सी देर तक, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस, मैंने आपसे बोला था हम लोग फुलकियाँ घर में ही बनाएंगे, ये हमने बना लिया है। बेसन में हमने बस अपने टेस्ट के हिसाब से बस नमक डाला था और फिर इसको हमने फ्राई कर लिया। अब देखें, इसको हम स्क्विश करेंगे, स्क्विश देख लें, इसको हम निचोड़ लेंगे ताकि इसका पानी निकल आए, ठीक है। फिर हम इसको उसमें दही में डाल देंगे, देख लें आप लोग, ये देखें। तो गाइस, अब ये देख सकते हैं आप, हमारा ये कॉर्नफ्लोर इतना गाढ़ा गाढ़ा टाइप से हो गया। हमने इसको ठंडा करा है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, तो अब इसको हम दही में डालेंगे। ये हमने इसको दही में डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कैसा है। तो गाइस, अब हमने इसको मिक्स कर लिया है, देख लें छोटे छोटे से ये दिख रहे होंगे, ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है, तो आप ये देख ही सकते हैं। ये देखें, छोटे छोटे टुकड़े भी दिख रहे होंगे आप लोग को। ये मैं बोल रही थी कि ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा साबुदाना जैसा लग रहा है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, कॉर्नफ्लोर था स्लाइम टाइप, तो अब ये लग रहा है साबुदाना, दही लगी है साबुदाना का वो पेस्ट टाइप, ये वो लग रहा है, ये देखें। तो गाइस, अभी हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं, ये देखें। ये इसमें हमने बड़े भी डाल दिए हैं और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये आप देख लें, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं।
तो गाइस आपने तो देख ही लिया, मैंने खुद ने खुद अपने हाथों से दही बल्ले बनाए हैं, दही बड़े बनाए हैं। तो अब आप इसको फ्रीज़र में रख दिएगा जब तक आपकी फ्राई शुरू नहीं होती, ताकि फिर वो और ज़्यादा टेस्ट में अच्छे हो जाते हैं। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़।